हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल कार्स का ज्ञान। में आज की इस वीडियो में हम लोग महिंद्रा के यूवी 100 के 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो चलिए वीडियो को आप यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आप सारी के सारी कार रिलेटेड वीडियोस देख पाओ। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि इसकी मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो पार्ट भी देख लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, KUV की ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन थे पहले, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, लेकिन इन्होंने अपनी एक मूवी में भी अब KUV 100 को यूज़ किया था। बस यही नहीं, इसके बाद अब ये KUV 100 को ऑन भी करते हैं। फैक्ट नंबर 2, KUV 100 के जो एलॉय व्हील्स थे वो BS6 में अपग्रेड होने के बाद महिंद्रा वालों ने छुपके से रिमूव कर दिया था, लेकिन एज ये एक अनपॉपुलर कार है, इस वजह से किसी ने इस न्यूज़ को बताया नहीं। फैक्ट नंबर 3, KUV 100 का एक AMT वर्सन भी लॉन्च होने वाली थी, लेकिन वो लॉन्च ही नहीं हुई, जो कि महिंद्रा ने ऑफिशियली बोला था एंड ये टेस्टिंग के बाद भी देखा गया था, लेकिन उसको लॉन्च ही नहीं किया गया। और बस यही नहीं, CNG में इसको BS6 में भी अपग्रेड होनी चाहिए थे, उसको टेस्टिंग के बाद देखा गया था, लेकिन उसको भी लॉन्च नहीं किया गया। उल्टा जो डीजल वाली KUV थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसी के साथ साथ इसका इलेक्ट्रिक वर्सन भी लॉन्च होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसको लॉन्च ही नहीं किया गया, लेकिन शायद इस साल ये लॉन्च हो जाए। फैक्ट नंबर 4, KUV 100 महिंद्रा की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार है, जिसमें महिंद्रा के जितने भी कार्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से 50% से तो ज़्यादा KUV 100 के अकेले ही एक्सपोर्ट हो जाते हैं। एंड इसका 2 मेन रीजन्स है, एक तो इसका जो डिमांड है दूसरे कंट्रीज में, एंड दूसरा इसका जो छोटी साइज है उस वजह से इसको एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा आसान होता है महिंद्रा के लिए। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि आपको पता है नेक्सो ने भी इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक SUV है, लेकिन क्या आपको पता है EKUV 100 इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक SUV हो सकती थी अगर महिंद्रा इसको सही टाइम में लॉन्च कर देती। लेकिन सही टाइम तो क्या, अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया। इसको महिंद्रा 2017 से टेस्ट कर रही थी एंड 2018 में इसको ऑटो एक्सपो में भी दिखाया गया था एंड तब ये पूरा रेडी भी था, लेकिन उसके बाद भी इसको लॉन्च नहीं किया। और बस यही नहीं, 2020 में भी इसको दोबारा से ऑटो एक्सपो में दिखाया गया एंड लॉन्च इसका कन्फर्म भी हो चुका था, लेकिन डिले हो गया दोबारा से एंड अब 2022 है, अब शायद से ये इस साल लॉन्च हो सकती है, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है। फैक्ट नंबर 6, AUV 100 में एक पोप भी बैठा था, जो कि आप देख सकते हो, एंड इसको आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्विटर पे शेयर किया था, क्योंकि ये इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इन्होंने इनके पास काफ़ी सारे सुपर कार्स होने के बाद भी इन्होंने KUV 100 में बैठा, जो कि एक इंडियन कार है। बाकी अगर आपको पता नहीं है कौन है तो आप स्क्रीन में देख सकते हो इनके बारे में कुछ डिटेल्स है। बाकी अब हम लोग फैक्ट नंबर 7 की बात करें तो इंडिया को छोड़ के क्या आपको पता है ये कितने कंट्रीज में बिकती है? तो मैं सारी कंट्रीज़ का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ का नाम लूँगा। तो इंडिया को छोड़ के इसको जो है श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, इटली, स्पेन और इसी के साथ साथ कुछ और, मतलब इन टोटल 10 यूरोपियन कंट्रीज़ में बेची जाती है, जिसमें मेनली स्पेन एंड इटली है। एंड इसी को छोड़ के महिंद्रा टूनिसिया में भी है, चीन में भी है और नेपाल, मोरक्को जैसी कंट्रीज में भी है। इसी के साथ साथ कुछ और कंट्रीज में भी है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इस वजह से मैं सब कंट्रीज का नाम नहीं लिया। फैक्ट नंबर 8, KUV 100 को पुलिस भी यूज़ करती है इटली एंड स्पेन जैसी कंट्रीज में। बाकी अगर आपको जानना है और कौन कौन सी महिंद्रा कार्स को पुलिस यूज़ करती है दूसरी देश में, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। फैक्ट नंबर 9, KUV में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इंडियन वाली KUV में कभी मिलते ही नहीं थे, लेकिन दूसरे देश वाली KUV में मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ कलर ऑप्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं। यूरोप वाली KUV 100 में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जो कि इंडियन वाली KUV में नहीं मिलती। इसी के साथ साथ श्रीलंका वाली KUV में AMT का वर्सन भी मिलता है, और इसी के साथ साथ जो यूरोप वाली KUV उसमें आपको फ्रंट आर्मरेस्ट कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि
बाहर की देशों में KUV 100 को 5 सीटर वर्सन में बेची जाती है। इसी के साथ साथ कुछ कलर ऑप्शंस बाहर की देशों में ऐसी है जो कि इंडिया में आपको नहीं मिलते। सबसे पहले तो आप ये वाला कलर देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, एंड इसी के साथ साथ ये वाला कलर भी देख सकते हो जो कि इटली में जब 3000 से भी ज़्यादा KUV बिक गई थी उसके बाद इसको स्पेशली बनाया गया था। एंड इसी के साथ साथ ये वाला कलर तो आप देख ही सकते हो कैसा है, मतलब ये जो कलर्स जितने भी कलर्स में दिखा रहा हूँ ये कलर्स मुझे इंडियन वाली से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी इंडियन वाली भी मुझे अच्छी लगती है। एंड ये वाला और एक कलर है, बाकी जब मैंने इस कलर को कुछ लोगों को दिखाया तो उन्होंने मिनी स्कॉर्पियो इसको बोला। एंड ये और एक ब्लू कलर भी देख सकते हो, और इसी के साथ साथ आप यहाँ कुछ एडिशंस देख सकते हो जिसमें ये तो है #1.5 वाला एडिशन, इसमें थोड़ा डिज़ाइन में एंड फीचर्स में चेंजेस मिलते हैं। और इसी के साथ साथ ये वाला कमर्शियल यूज़ के लिए है जिसका नाम KUV 100 Express रखा गया है, और इसी के साथ साथ साइड में आप स्कॉर्पियो का पिकअप वर्सन भी देख सकते हो। अब फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो दूसरी देश में ये कितनी बिकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ बता दूंगा कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में कितना यूनिट्स सेल हुई है। सो मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो आपको पता होगा 89,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इसकी बिक गई है, लेकिन इसी के साथ साथ जो इटली है उसमें 4000 से भी ज़्यादा यूनिट्स KUV की बिक चुकी है, एंड साउथ अफ्रीका में 5600 से भी ज़्यादा KUV बिक चुकी है। इसी के साथ साथ KUV 100 को स्पेन में भी बेची जाती है, लेकिन स्पेन में इसकी काफ़ी ख़राब बिक्री हुई है जहां इसका ऑलरेडी पूरा लाइफ टाइम 1200 यूनिट्स ही बिक चुकी है। इसी के साथ साथ जो श्रीलंका है उसमें तो मुझे सेल्स रिपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो वहाँ के जो कार रिव्यू करते हैं जो लोग, उनके हिसाब से जो KUV 100 है उसको जो मतलब श्रीलंका के हिसाब से काफ़ी अच्छी कार है, लेकिन इसमें दो ही मेन प्रॉब्लम है जो कि एक तो है इसका प्राइस जो कि काफ़ी ज़्यादा है वहाँ, एंड दूसरा प्रॉब्लम इसका जो वेटिंग पीरियड है वहाँ 7 मंथ्स की है, तो आप डिमांड देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। लेकिन महिंद्रा इंडिया में जैसे XUV 700 फिर थार को डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, वैसे श्रीलंका में KUV 100 का डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि KUV 100 70% इंडिया में बनती है एंड बाकी 30% श्रीलंका में जाके बनती है जो कि श्रीलंका में बेची जाती है। इसी के साथ साथ जो टूनिसिया है वहाँ पे पूरी 2019 में 6th बेस्ट सेलिंग कार थी ये, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, एंड इसने 6th पोजीशन में आके हुंडई की i10 एंड i20 को भी सेल्स में पीछे छोड़ दिया था। इसी के साथ साथ इसको गोल्डन व्हील अवार्ड भी मिला था 2020 में, क्योंकि ये टूनिसिया में बेस्ट सेलिंग कार थी अपने सेगमेंट में। बाकी होप करते आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। एंड इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख लीजिए।